तो माशाल्लाह आज जो है मैं बना रही हूँ बहुत बड़ी दावत, और सिस्टर आयशा, शाहिद और जो है साथ में रुकिया और जो है साथ, तो उनके लिए जो है माशाल्लाह मैं बड़ी ज्यादा हंसी आ रही है। पत्नी इसको हो क्या गया है? बात भी नहीं बताती तो ऐसे हंसी जा रही है। बताओ ना, आप भी पढ़ोगे? हाँ बताओ। बिल्लियाँ ये देखें कितनी बैठी है, कुछ ये इनको देगा फिर ये चुप करेंगी। घर से लेते हैं सलाद के लिए खीरे, गाजर, मूली तो मिली नहीं है, चलो वो आगे देखेंगे। इधर जी समोसे रखे हैं और इधर पकोड़े रखे हैं, छोले भी हैं, साथ में लीमू भी लगा हुआ है। साले जो है हमारे अच्छे तरीके से काट चुके हैं, हरी मिर्च टमाटर प्याज जो है छीला जा रहा है, और इधर बुशरा ने दमरा मोला उठा लिया है। चिकन जो है मैं धोना शुरू कर दिया है, ये देखें अच्छे खासी धो रही हूँ क्योंकि इससे जो है ना ऊपर खून वगैरह होता है। माशाल्लाह जी चिकन देखें अच्छे तरीके से पीस धुल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफात अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे, जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी नावी लोग के साथ हाज़िर हो चुके हैं। तो सुबह का टाइम है, आज जो है मौसम की जो बात की जाए, मौसम बिल्कुल ठंडा है। तो ये देखें अभी तक सूरज तलू नहीं हुआ, रात से जो है ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चली है ना, ये देखें बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा, ये देखें। और सुबह का नाश्ता जो है रेडी हो रहा है, तो नाश्ते में जो है आज सुबह चाय बना रहे हैं, रुखसाना भी आ चुकी है, तो किचन में चलते हैं। इधर किचन जो है कल हमने ये जोड़ा था, अभी उसने आग भी जला दी है ऐसे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी सब ठीक है, आप सब बहन भाई की दुआ है। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें, वीडियो कॉल वॉच कर लें। तो माशाल्लाह सुबह का टाइम हो चुका है, तो हम भी आगे रुके हैं। तो आज का दिन माशाल्लाह जुमा तो मुबारक है हमारी तरफ से, सब बहन भाई को जुमा तो मुबारक होगी। तो माशाल्लाह ठंडा ठंडा मौसम है, आज जो है हवा चली हुई है रात से, तो इतनी ठंड है ना तो आपको क्या बताऊं, क्योंकि कल जो है ना मैं कुछ झाल दे दिया है, तो मुझे पता भी नहीं था क्योंकि ठंड आने का पता तो नहीं होता ना, तो मैंने कुछ झाल दे दिया है। अभी जो है ये साइड ऐसे ही खड़ी होगी, तो उसको जो है ना मैं कपड़ा लगा दिया है, हवा आती है आज भी नहीं चलती। तो माशाल्लाह नाश्ता बनाना शुरू कर दिया मैंने, आग भी जला दिया और चूल्हे पे देगची भी चढ़ा दिया है, तो बना रही हूँ चाय, इंशाल्लाह बनाऊंगी आपसे शेयर करूंगी, तो आप रहना हमारे साथ। तो हवा लेकिन एक कपड़े लगाने से बस है ना? ऐसे कुछ झाल कर दिया है ना, बस ऐसे थोड़ा झाल हो गया है जो चूल्हे के बराबर, ताकि आग इधर उधर ना हो। तो बाकी तो देखें, ये देखे जो ऊपर जो है ना ये वरियाँ बधी हुई है ना, ये तो हवा से ऐसे ऐसे लटक रही है। तो ये तो हवा आती भी है, इतना हवा तो नहीं झलती ना इस लकड़ से, ऐसे बस थोड़ा सा झाल कर दिया जो बच्चे लोग इधर उधर ना जाए, सुकून से आके बैठ जाए। तो और इसका जो है ना साइड से चौधार जो है ना अभी तक भी लगाना है, क्योंकि हमारे से पतला वगैरह नहीं है ना, तो वो लेनी है, वो लगानी है, पतला लगाएंगे ऊपर भी डालेंगे तो वो बंद हो जाएगी। तो देखें माशाल्लाह दूध जो है चढ़ा दिया है, देखिए फुल कर दिया है क्योंकि आज मेहमान है, तो आज चाय ज़्यादा बनेगी पहले से भी, क्योंकि मेहमान जो है ना तकरीबन 5-6 मेहमान आए हुए हैं। हाँ जी, सिस्टर आई हुई है। हाँ, और सिस्टर है, उसके बेटा भी है, बेटी भी है, उसके बच्चे भी साथ में है ना, हमारी है। हमारी बेटी भी है। हाँ। चलें, तो क्यों निकाल रही हो? ये जब उबाला आएगा ना, हाँ, ये सारी खत्म होगी, तो इसलिए जो ना काम कर रही हूँ जो वो बना के बाद में बना लूंगी। चलो बस काफी है, अभी उबाला नहीं झलीचेगा, नहीं अच्छा। चलें जैसे आप बना लेंगे, ये कोई बात नहीं है।
चलें सही है। अपने बच्चों के लिए बना के उनको दे के बाद में, वो अभी सोए हैं ना ठंड की वजह से। हाँ सर्दी बहुत ज्यादा है, ज्यादा ठंड है आज जो है, ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है, हवा जो है ना दिल को छू जाती है। हाँ छू जाती है, इतनी चिपकती है ना, पता नहीं क्या बताऊँ आपको। अच्छा खैर सर्दियाँ तो आने वाली है ना, ये तो होएगी ऐसे मौसम तो सर्दी है। सर्दी का मौसम आया रे, बस बच्चों की बच्चा तो है, बस हमारी खैर है, क्योंकि बच्चे लोग समझते भी नहीं। वो अभी तक तो अंदर सोए हुए है ना, बाहर नहीं निकलने दिया। मोबाइल दे के उसको आई हूँ, ऐसे नहीं सोई हुई, चलो खेड़ लगी हुई है ना। बुशरा सुबह सुबह उठ के उन्होंने कहा छोटा मोबाइल मुझे दो, मोबाइल उठा के सोई पड़ी है। पत्ती का डब्बा रात ही खत्म हो गया था, अभी भी ले आया हूँ। हाँ पत्ती रात खत्म हो गई है, पहले लाल वाले सुप्रीम लेते थे, आज वेटल ले आया। देखते हैं आज इसका मजा कैसा होता है। हाँ वेटल तो अच्छी होती है, चाय हर चाय का अपना जायका होता है। हाँ बिल्कुल, हर चाय की अपनी खुशबू होती है, खुशबू भी होती है, कलर भी चेंज होते हैं। हाँ तो चलो डालो, वो तो बॉयल हो रहा है। हाँ डालते हैं, इसको फटा लो ना अच्छे तरीके से। चल जी माशाल्लाह पत्ती जो है ऐड हो रही है, माशाल्लाह जी पत्ती तो माशाल्लाह अच्छी नजर आ रही है, तो चाय बनेगी तो पता चलेगा। थोड़ी और भी डाल लो कम है। क्योंकि दूध ज्यादा है, कुछ रंगत तो आ जाए। बहन भाई कहते हैं पत्ती कम डालते हो आप। पत्ती तो अच्छी जो होते है ना वेटल वाली, वो डालते हैं ना। आज वो अच्छी ले आए हैं, आज देखेंगे इसकी चाय की। पहले भी सुप्रीम थी, सुप्रीम अच्छी है, कलर करती है जब बॉयल होती है, पहले तो नहीं करती ना। माशाल्लाह जी चाय के प्याले रेडी हो चुके हैं, तो इधर सब लोग आ चुके हैं, तो बैठ जाओ, इनको देती जाओ ना, जो जगह कम है ना, छोटा किचन है ना। हाँ जी। ये पी लेंगे फिर और आएंगे, स्कूल वाले को दे दो, वो भी स्कूल जाना है। आज ठंडा, आज बुशरा कहती है मुझे गिद्दी पहनाओ, लुकार बांध रही है, वो कहते हैं बांधो भी ना ऐसे पहना। नाश्ता हो गया, रेडी हो गए हो, जा रहे हो स्कूल, आपको कुछ चाहिए? ठीक है जी, आपको चाहिए पैसे, हर कोई पैसे पे चल रहा है, ये 10 रुपए और ये 50 रुपए पूरे हो गए, और कुछ लेना तो नहीं है? पेंसिल 10 वाली ये लो, चलो जाओ। बच्चे लोग तो चाय पी के स्कूल चले गए हैं, अभी होटल चल रहा है आपका रुखसाना? अच्छा हमारी बारी भी आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी, आपकी बारी भी आ जाएगी। अच्छा दूसरा देगड़ा चढ़ाया है। बच्चे लोग तो पिए, प्याले रखी है, दे दे। चलो दो उनको, फिर हमें भी दे दो, इंशाल्लाह आपको भी देती हूं। नाश्ता करने के बाद जो है इन्होंने आज धूप माशाल्लाह अच्छी खासी निकल आई है, हवा तो ठंडी चल रही है, लेकिन कपड़े तो धोने होते हैं। हाँ जी कपड़े तो धोने हैं, क्योंकि दूसरा दिन है, हम कपड़े नहीं धोए, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज हवा भी चली हुई है, सर्दी भी है, धूप भी थोड़ी सी निकली हुई है, तो कपड़े भी नहीं, धूप है, हवा है, हवा में जल्दी सूख जाते हैं। बुशरा को क्या हुआ? ऐसे बस लटकी हुई है। अच्छा मशीन रूम में क्या ढूंढ रही हो? कपड़े पहने, बच्चों के कपड़े भी हैं, और अबू जान के जो है ना कपड़े जो साथ में देने थे ना, हाँ उधर गर्म वाले सर्दी वाले, तो वो भी ढूंढ रही, मैंने कहा इसको दो। अबू की जो है ना एक शाल, हाँ जी, जिसको हम लुकार बोलते हैं, लुकार। और एक अपर, एक कैप, हाँ। जुराबे, ये जो है ना इकट्ठी करके रख दो, धो हाँ। के साफ सुथरी कर लो, क्योंकि वो कल परसों वो जाएंगे ना, फिर लेके जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। हाँ अबू जान जो मदरसे का काम करा रहा है ना, हाँ
तो अभी वो इधर नहीं आ रहा। रात ही फोन किया तो उन्होंने कहा ये काम हो जाएगा तो फिर मैं आऊंगा। फिर चलो ये मैं जा रही हूँ धोने के लिए, तो जो है ना आपका वो भी न्यू है और जो कपड़े हैं वो भी धुले हैं, तो इंशाल्लाह वो भी साथ में देंगे। सही हो गया। और रात ही जो इधर सोए थे कैसा आया, कैसा लगा? हमारे लिए तो बहुत अच्छा है और सोने के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि नीचे जो सोई थी ना मैं, हमारा जो है ना मोरू का मसला है। हम अक्सर कहते हैं कि फट्टे पे सो नीचे सो, वो तो मोरू का मसला सेट हो जाता है। वो तो कहते हैं क्योंकि न्यू सोई हूँ ना मैं, तो रोज सोया करो। आज ये देखें इधर माशाल्लाह रात सुकून से इन्होंने नींद की है। अभी बिस्तर उठा लिए हैं, तकिए रखे हैं। तो मैं जब सोऊंगा ना नीचे, मुझे तो नीचे सोने में बड़ा मजा आता है। तो आता है तब सो जाओ आप भी, आपको क्या नींद? नहीं अभी मेहमान है ना, जगह कम है। हाँ जी। अभी बाहर सो रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो इंशाल्लाह जब जगह बन जाएगी तो आप ही अंदर सोना है, क्योंकि दो दिन है सर्दियाँ बढ़ रही है ना, सर्दी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैंने कहा जो ये जो चटाई बिछा देते हैं, चलो सुकून से बच्चे भी सो रहे हैं। नीचे जो है ना ठंड घाट लगती है। ये जो जगह बची हुई है ना, ये जूते रखते हैं। जूते रखते हैं लेकिन और भी कुछ रखेंगे। हाँ। क्योंकि अंदर सोएंगे ना। झाग बना ली है मशीन ने। वाह जी वाह, इतनी झाग बनाती है आपकी मशीन। झाग बनाती है मशीन, क्योंकि सरफ डाला है ना, कपड़े ज्यादा से नहीं डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, इसको ढक्कन बंद करो तो झाग नहीं निकलेगी। ये आप घूमते हैं खत्म हो जाए। सब्जी में सुबह सुबह आलू काट रही हो क्या? ये पाट है। या आलू पाट रही हो? आलू हमारे जो है ना हो रहे हैं, सरप्राइज है इंशाल्लाह, जब बड़ा होगा वो बहन भाई से शेयर करेंगे। तो अभी तक माशाल्लाह इतना निकला हुआ है। इतना इतना क्या निकला हुआ है? आलू की नथूर है। आलू की नथूर है। हाँ जी। तो माशाल्लाह इतनी बार रहा है ना, ये देखे 1 2 3 4 5 6 7 नथूर है एक जगह पे होगी बड़ी बड़ी। अच्छा। हाँ। और दूसरी साइड ये है, ये भी माशाल्लाह काफी सारे बार रहे हैं। अच्छा। हाँ। अमीर होने वाली हो आलू के, मंडी पे बात कर रहा हूँ। हाँ तो कर लो, क्या है हमारा 2 किले तो आलू के उगे हैं ना माशाल्लाह। हाँ, तो 2 किले से कोई गिला तो नहीं है। अभी तो जम रहे हैं, जब आलू उठाएंगे, आलू ना उठाए पहले बात करके ऐसे ना उठाएं, जो धरती में रुके हैं वो नहीं उठाएंगे। उसको 10 रुपए दो बाबा आया। रोज आता है, बस रोज आता है, अपना नसीब लेता है। दो का दो हमारी कोई ताकत है देने की। हाँ ये तो है। तो फिर दो दो फकीर आ जाते हैं, 3-3 फकीर आ जाते हैं ऐसे। नाश्ता जो है काफी टाइम से कर लिया है, तो अभी फ्रेश होते हैं, ड्रेस भी आज चेंज करते हैं। तो सर्दी थी कल, मैं फ्रेश नहीं हुआ तो आज फ्रेश होते हैं और बालों को भी कंघा छंगा करते हैं। तो रुखसाना जो है मेरा सूट जो है उठा के आ गई है, ये देखें। तो साथ में वो बुनैन भी है। हाँ जी ये भी है। वाह जी वाह, ये सफ़ेद वाली है। सफ़ेद वाली। चलें ये पहनते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर बाद आगे की वीडियो शेयर करते हैं। और बल्लभ भी बाल दिया है आपने? बल्लभ बाला है? हाँ, किसने बाला है? बब्बू तो चला गया स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो चुके हैं, ड्रेस भी चेंज कर लिया है, कंघी शंघी कर लिया है। तो माशाल्लाह अभी जाते हैं दोपहर के खाने के लिए, कुछ चीज़ें ले आते हैं, फिर बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर खाने का ही काम है सारा दिन। कोई गड्ढा तो नहीं है हमारी, जहाँ गड्ढा से चढ़ के चलाने जाएंगे। मैंने कहा जो एक बकरी लेते हैं और कितना चढ़ाने जाएंगे, बकरी लेते हैं और जो कचरा वगैरह था वो खा लेती है, वो तो इधर वो बकरियां बाहर आके खा जाती हैं, जहां आप कचरा फेंकती हो बाहर बकरियां आती हैं वो खा जाती हैं। मैंने कहा चलो दुआ करते हैं, बकरियां जो साफ होती है वो खा लेते हैं। आज सारा दिन ये मशीन लगी रहेगी और कपड़े ढेग लगा दिए हैं। आज कपड़े काफी हैं, आज सारा दिन भी मशीन लगी रहेगी, आज मशीन नहीं बंद होगी क्योंकि बेल भरी दिया है ना, और बेल की तैयारी हो रही है। चलें ठीक है, मैं कुछ ले आऊं पकाने के लिए, टाइम है। हाँ जी ले आओ पकाने के लिए, अभी टाइम है ना। सही है, खाना वाना।
चलें जी अभी चलते हैं दुकान पे, वहाँ पे जो चीज लेंगे वो शेयर करेंगे। आप सबने मेरे साथ रहना है, हम जाएंगे। नहीं जाना आपने, कंघा शंगा करो, तैयारियां करो खाने की। सही है, ये टूट गई है, ये लेनी है। चलो और ले आएंगे, आधी याद हो गई है ये भी। अभी हम जा रहे हैं दुकान पे, वहाँ से कुछ लेते हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। पहले मैं पहुँच गया हूँ भाई के पास, तो ऊपर देखें बिल्लियाँ, ये देखें कितनी बैठी हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कुछ ये इनको देगा फिर ये चुप करेंगी। लेते हैं सलाद के लिए खीरे, गाजर, मूली तो मिली नहीं है, चलो वो आगे देखेंगे। इधर जी समोसे रखे हैं और इधर पकोड़े रखे हैं, तो गर्म है या ये ठंडे हैं। इधर जी छोले भी हैं, साथ में लीमू भी लगा हुआ है। चिकन जो है रेडी हो चुका है, अभी इसे उठाते हैं फिर ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी सामान जो है ले लिया है, अभी घर की तरफ रवाना हो चुका हूँ, तो पैदल गया था, इधर करीब दुकानें हैं वहाँ से लिया है सामान खाने पकाने के लिए, दोपहर का खाना बनाएंगे। सामान जो है ये मेरे हाथ में है, तो अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने घर। ये देखें दरवाज़ा खुला, तो रुखसाना ने दरवाज़ा खोला, तो और कौन खोलेगा। अच्छा तो मैंने खोलना, चलो बंद करो गेट। हाँ बंद करते हैं, इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या बनाते हैं आज। अच्छा इस किचन में बनाना है कि दूसरे में बनाना है? इस किचन में बनाना है, उधर हवा लगेगी आग भी नहीं जलेगी। इधर बनाना है, इधर भी बनाना है क्योंकि झाड़। चलो पकड़ते जाओ मूलियाँ। ये किसके लिए लिया है? सलाद के लिए। सलाद के लिए, सलाद के लिए एक तो रखी थी और रखी थी। हाँ मुझे नहीं पता, वो तो साफ जुबान थी, ये तो गली हुई है। चलो सालन बन जाएगा। हाँ, डाल देंगे। हाँ, ये कड़वी होगी खाने से अच्छी नहीं। अच्छा ये चिकन हो गया, मसाला हो गया, सलाद हो गई, ठीक है, सही है। हाँ जी, अदरक लहसुन है? ये अदरक और लहसुन है, ठीक है। टमाटर, टमाटर तीन है, ठीक है। प्याज तो रखे हैं, प्याज भी हैं दो इसमें, और डाल दिया है और भी मैंने बनवाया है ना, मैंने कहा खबर है प्याज रखे हैं कि नहीं रखे। प्याज रखे थे, उनको कहो जाए। अभी मैंने सुना है कि अहमद का फोन आया था। हाँ वो फोन किधर से आया था? क्या कह रहा था? वो आके जो मैं तुम्हारी दावत बने ना प्यार दे, दावत पे आ जाए। अच्छा साड़ी या आयशा शायद की? आयशा शायद की भी है, आपकी भी है, हमारी भी साथ है। हाँ अच्छा जी, मैंने कहा मेहमान और संतारे घर कर रहे हैं, कौन सा मेहमान है देना अगले बदेरो। चलो तुम वाल ये जल्दी जल्दी तैयार करो, तो टाइम भी काफी हो चुका है, तो ये बना लें ये खा लें फिर शाम को उधर चले जाएंगे। इंशाल्लाह मैं हम शुरू करें नहीं पे बनावा। आज ये चिली सॉस और सोया सॉस भी डालना है ना चिकन में? आपको पता ये डालना होता है क्योंकि अच्छी सालन बनता है। चलो डालो। हाँ, ये भी डालो। आज जो है टोकरियों को अच्छे तरीके से धुलाई कर रही है। हाँ जी सब्जी बनानी है ना? सब्जी बनानी है। हाँ जी। क्या सब्जी बनानी है? चिकन। चिकन सब्जी है? हाँ सरेकी में हम बोलते हैं चिकन को सब्जी। अच्छा अभी आज दावत हम बना रहे हैं शायद आयशा के लिए और सिस्टर के लिए, तो शामी दावत जो है अहमद ने दी है, हमको भी दी है, उनको भी दी है। शामी हम चले जाएंगे उधर, इंशाल्लाह आप सब ने हमारे साथ रहना है। तो इधर अब किचन में आ चुके हैं, तो अभी इसने मसाले छीलना काटना शुरू कर दिए हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा जो टाइम जो है हो रहा है खाने पकाने का, तो अभी जो है इंशाल्लाह इसका जो है बनाने का टाइम। मैं आके हूँ टाइम ठीक है बना मरता तो ठीक है, मसाले मसाले चाह या अच्छा चने चाह गई हैं। अच्छा तो हम जरा नहीं दे कटाई शुरू करें नहीं पिया, ठीक है। तो जितनी 12-1 बज वैसी मेरे ही सारा बाण वैसी सही है। हाँ जी तो क्योंकि ये दोपहर को खा लेंगे ना। हाँ। फिर शाम ही उधर भी खाएंगे। हाँ जी तो ये लेट कर देंगे तो भूख नहीं लगेगी। हाँ।
सही बात है। हाँ इसलिए जो है ना मैं मिसाले शिसाले कटे दी पिया वाले जो ना पीछे चिकन बने सो इंशाल्लाह भेड़ी भिराने कुड़ी खे सो ठीक हो गया। हाँ जी तो आज जो है बहुत बड़ी दावत बना रहे हैं हम शाहिद आयशा और सिस्टर के लिए। ठीक हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले ठीक है प्याज की कटाई जो है शुरू कर दी है तो प्याज काट के जो जो मिसाले होते हैं सारे काट लेगी। हाँ फिर जो है चिकन भी धोना है वो भी आपसे शेयर करेंगे जी, तो आज सोया सॉस और चिल्ली सॉस भी ले आई हो। हाँ, वो भी ले आई हूँ। अच्छा वो भी आज डालोगी? आज डालना है। आज तो चिकन में फिर अच्छा बन जाएगा ना? अच्छा बनेगा इंशाल्लाह क्योंकि वो पहले गीते से था बोला मैं रख रही थी जब सामान लेके आए थे ये हमने अलीपुर लिया था। हाँ उधर लिया था वो हमने मकरोनी बनाई थी ना। हाँ। तो उस दिन मैं लेके आया था मकरोनी बनाते थे। हाँ जी। तो उस दिन का हम इधर लेके आया इस्तेमाल नहीं किया वैसे की वैसे बोतल रखी है थोड़ा थोड़ा सा काम आया इस्तेमाल किया था। हाँ। तो ये रखा रहेगा ऐसे खराब हो जाएगा। हाँ, तो इसको इस्तेमाल करते रहे ना। तो बहन भाई जो इस्तेमाल करते हैं बता हमें कमेंट बॉक्स में उर्दू में बताना है कि ये खराब हो जाते हैं या नहीं होते ऐसे रखे रहते हैं। हमारी नजर में तो नहीं खराब होते। नहीं होते ना? नहीं होते। क्या ये देसी नुस्खा है? देसी नुस्खा है ना। हाँ। मिसाले ऐसे भी होते हैं ये तो रखे रहते हैं। अच्छा ये बोतलों में बंद है। बंद है लेकिन वो खोल जाए ना वो कहते हैं जरा सीम हो जाते हैं ना। तो इसको कितनी तीन चार पाँच महीने हो गए इसको लिए थे हम। हाँ। तो चार महीने के अंदर तो नहीं खराब होते ना। नहीं होते? नहीं होते। नहीं चिली सॉस और सोया सॉस क्या बना? आज चिकन बना रहे हैं। आज बना रहे हैं चिकन। आप खाओगे चिकन? चलो ठीक है। चलें ठीक हो गया जी आज बना रहे हैं चिकन। की बात बताऊं जो आप कपड़े भी धो के मेरे ख्याल तना पे टांग दिए हैं। हाँ कपड़े मैं धो के अन्य मशीन लगी हुई है कपड़े भी रखे हैं। अब ओ, अभी वो अभी धुल रहे हैं। अभी धुल रहे हैं ये देखें जी ये सफेद वाले सुबह हमने तार के ऊपर जो है ना ये कपड़ा वाले लिया था ताकि ये जंग ना हो जाए तो इसीलिए ना। हाँ इसीलिए जो है ना आज जंग नहीं लगने वाली। नहीं लगेगी वो कपड़ा लगा है ना ऊपर। हाँ जी उसको भी लगेगी। आज आलू को पानी दिया जाए या ना दिया जाए? नहीं देना। नहीं देना? नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो जो है ना नथुरे निकाल रहा है बाहर। अच्छा फिर रुक जाएगा? हाँ धूप लगेगी उसको जो है ना वो मिट्टी उसकी खुलेगी तो ये भी बाहर निकलेंगे। नहीं जब मिट्टी नरम हो जाती है तो फिर वो निकलने शुरू हो जाते हैं। बस वो निकलते रहे वो देखे सामने आपको नजर आ रहे होंगे। हाँ वो सब सब्ज वाले पत्तर निकले हैं सामने अयूब के आलू के। हाँ वो देखे। हाँ वो पत्तर निकाल रहा है मैं इधर से दिखा सकता हूँ। हाँ। मेरे पास कैमरा अच्छा है इंशाल्लाह। ये तो नहीं है कि नहीं दिखा सकता। ये हो गया आलू ये इसकी नथूर जम गई है। हाँ। सामने सब्जा सब्जा आपको नजर आ रहा होगा। मिसाले जो है हमारे अच्छे तरीके से काट चुके हैं हरी मिर्च टमाटर प्याज और लहसुन जो है छीला जा रहा है और इधर बुशरा ने दमरा मोला उठा लिया है एक कुटीदा पे ओही। आज लहसुन अदरक तुम बनाओगी? ठीक हाँ। है वो देखें आराम से बाहर ना जाए आराम करो। ये साइड मार लिया। दूसरी लगाओ ये ना मारो अयूब ये साइड लगाओ मौली की। हाँ बैठ जाओ बैठी इतो पकड़। हाँ ऐसे अयूब ना कहा इतना आराम से है ठक्कोड़क ख्याल करिए कि नीचे ना गिर जाए। तो माशाल्लाह चिकन जो है मैं धोना शुरू कर दिया है ये देखें अच्छे खासी धो रही हूँ क्योंकि इसके जो है ना ऊपर खून वगैरह होता है और खंभ होते हैं ना मुर्गी के वो साफ हो जाए बाद में इंशाल्लाह बनाएंगे एक एक पीस करके धोएंगे साफ का अच्छे तरीके से। कलेजी एक मिली है आपको मुर्गी की एक कलेजी होती है ना एक होती है साथ में रखी हुई होती है ना वो पहले बनाते हैं जो वो रखते हैं ना मुर्गी देने वाले वो एक दाम बेचते हैं
किसका में नहीं डालते, वो कोई कहते हैं तो वो देते हैं, नहीं कहते तो नहीं देते, वो अकेले भी बेचते हैं। तो हम कहते हैं जो चिकन बनाने जाओ तो आप जो है ना कलेजी साथ में लेके आया करो, ज़्यादा ले आया करो। हाँ अच्छी बनती है ना चिकन, वो जो होते हैं ना कलेजी, कलेजी की लाश तो नहीं बनती ना, तो ऐसे भून के खाया जाता है। मिसाले वगैरह काट चुके हैं? हाँ मिसाले वगैरह काट के रख दिया मैंने, तो मैंने कहा कि पहले जो है चिकन धो के आती हूँ, बाद में इंशाल्लाह मिसाले की बुनाई करूँगी, क्योंकि चिकन फ्राई करनी होती है ना, तो इसलिए जो है ना मिसाले काट के रख दिया है। इसको अच्छे तरीके से धो के बाद में इंशाल्लाह आग भी जलाएँगे और बनाना भी शुरू करेंगे। मछली तो नहीं है, भाग रही है, टप्पा लगा के भाग रही थी आलू में हमारी चिकन। माशाल्लाह जी चिकन देखें अच्छे तरीके से पीस भर रहे हैं। और कितना रखा है? आधा रखा है। आधा रखा है, दो किलो लिया था, दो किलो लिया था तो आधा बना है। पीस माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ना? हाँ जी। चलें ठीक है, अच्छे तरीके से धो लो, फिर इसको भुनाई करते हैं, फिर खाते हैं इंशाल्लाह। चिकन हमारा अच्छे तरीके से धुल चुका है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा धुल चुका है, तो अभी जो है मैं किचन में आ गई हूँ, तो आग भी जला दिया है, देगची ऊपर रख दी है, अभी जो है घी ऐड करते हैं। ठीक हो गया, घी खत्म हो गया क्या? नहीं जमा रखा है, एक केजी ले आया था मैंने, कहा रात ही रात खत्म तो नहीं हो गया। नहीं ये देखें अभी डिब्बा। हाँ हाँ ये पानी ज्यादा हो गया, इसको लकड़ी लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी माशाल्लाह घी हमारा ऐड हो रहा है, घी जो है ऐड कर दिया है। बाकी इसमें देखें जो एक केजी रात लेके आए थे ना, बाकी एक पाव से कम बचा है, रात ही रात एक केजी चला गया। हाँ तो साला घी हमारा ऐड हो चुका है, जब घी गर्म होगा फिर इसमें हम मिसाले ऐड करेंगे। हाँ जी अभी जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, बुशरा आधा बना रखा है, आधा मैं बना रही हूँ। चलो वो टॉप बना लो अच्छे तरीके से। माशाल्लाह जी घी गर्म हो चुका है, अब इसमें मिसाले ऐड हो रहे हैं। आवाज आई है ऊपर देखना कैसे उबल रहा है। बहुत ही प्यारा नजारा, जबरदस्त मसाले हमारे जो है अभी इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करते हैं। ज्यादा हंसी आ रही है, पता नहीं इसको हो क्या गया है। हाँ कोई बात भी नहीं बताती तो ऐसे हंसी जा रही हो आप जो बातें करते। मैं क्या बातें की है आपके साथ, जो बातें करते हो मुझे बोलना भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? हंसी आ जाती है, हंसी आ जाती है। आपको मैं बताऊ ना, आप भी हंस पड़ोगे। हाँ बताओ बताओ बताओ। आपकी बताने की चीज नहीं है। क्यों नहीं? छुपाने की चीज है, छुपाने की चीज है। बताओगी तो मुझे पता चलेगा, नहीं नहीं तो ऐसे दिल में खोत खोत रह जाएगी। चलो बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती। अच्छा हाँ जी अभी मिसाले भून रही हूँ ना। ये क्या बुआ रही है, नाक आपने लुका लिया है? नहीं। आप जो हंसाते हो ना इसलिए बड़ा बात हो जाता है। अच्छा चलें जी मिसाले हमारे अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है डाल दिया है। हाँ अभी जो है चिली सॉस सोया सॉस भी डालना है, वो भी डालना है। हाँ आज अच्छी रेसिपी बनानी है, अच्छी माशाल्लाह जी। चलें जी पहले पहले क्या उठा लिया है आप देखो, चिली सॉस। तो मैं गलत नहीं बोल रही? गलत नहीं, आपको पता नहीं ये चिली सॉस है या सोया सॉस है? ये चिली सॉस है, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। चलो हाँ चलो डालो, कितना डालना है? ये डाल दिया है। दो कतरे? नहीं हाँ। दो चम्मच। दो चम्मच। हाँ जी। अब सोया सॉस? अब सोया सॉस बोतल वाला है। चले जी अब सोया सॉस भी डाला जा रहा है, आज जो है अच्छी रेसिपी होने वाली है इंशाल्लाह। बस करो, ये बहुत ज्यादा नहीं डालना होता, ये कम डाला है। चले अभी सब चीज डाल दिया है, इसकी रंगत भी देखे कैसे आ रही है माशाल्लाह, ये देखे। चले ठीक हो गया। हाँ जी। तो ये रेसिपी हमारी बन रही है इंशाल्लाह, अभी चिकन भी ऐड करना है ना? हाँ चिकन भी ऐड करना है। कितनी देर बाद?
ये बिरौन हो गए, बाद में इंशाल्लाह करेंगे, थोड़ी देर है, थोड़ी देर है। हाँ चलें ठीक है, चलो सही है, यहाँ पर इस वीडियो को तो एंड कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान पाक फौज, सब बहन भाई, अल्लाह हाफिज।